हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ हम देखेंगे आपको क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है। ओके, जनरल रीडिंग है, सभी जोडियक साइन के लिए हैं, सभी एज ग्रुप के लिए ऑब्वियस है। देखते हैं आपको क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, कलेक्टिव लेवल पर हमारे व्यूवर्स को क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है। चैरियट, ओके, मुझे ऐसा लगता है कुछ समय से आप कुछ तो चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन हाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आप चीज़ों को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, किस तरीके से मैनिफेस्ट किया जाता है। ठीक है, ओके, सेल्फ लव, सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है आपको। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपके आसपास जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, ठीक है, और उन सभी की बातों का आप असर बहुत ज़्यादा लेते हैं। आपको ये नहीं लगता कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए मुझे। सेल्फ लव करने के लिए ही कहा जा रहा है आपको। अपने से ज़्यादा दूसरों की परवाह रहती है, आप चाहते हैं कि दूसरे खुश रहें, दूसरे मतलब फैमिली के अलावा भी, आसपास के लोग भी हों। आपको आपको हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है दूसरे लोग जो बोल रहे हैं आपके लिए। अगर आपने कुछ अच्छा ख़रीदा है, आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको लगा मुझे तो ये चाहिए, आपने पैसे मतलब फिर वो वेस्ट ही होंगे ना, पैसे लगा कर आपने कुछ सामान खरीदा, किसी ने उस पर्सन ने किसी भी पर्सन ने उस सामान की बुराई कर दी, आपके ड्रेस की बुराई कर दी, आपके हेयर स्टाइल की, आपके लुक की बुराई भी कर दी ना, तो वो चीज़ आप दिल से लगा लेते हो, तो आपको लगेगा कि मैं तो शायद ठीक हूँ ही नहीं, मुझे तो बहुत सारी कमियाँ हैं। वो आप पूरा एक अच्छा सा बड़ा सा उसको ना कहानी बना लोगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, दूसरों की बातों का इतना नहीं, क्योंकि वो उसकी ना सामने वाले की नज़र में सही नहीं है ना, आपकी नज़र में सही था तो आपने ख़रीद भी लिया, पहन भी लिया। ओके, ठीक है, यहाँ पर क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। भाई गुड न्यूज़ ये है कि आपकी तरफ एक गुड न्यूज़ आ रही है, क्योंकि चैरियट है यहाँ पे। गुड न्यूज़ ये भी हो सकती है कि किसी पर्सन का आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, वो पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रहा है। आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे थे कि वो आपकी तरफ एक्शन ले, तो वो एक्शन लेने वाले हैं बहुत जल्दी। आप कोई ऐसा बर्डन था जो सिंगल से उनकी शादी नहीं हो रही थी, या आप लोग सिंगल हैं तो आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हो रहा था, वो भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। जो लोग अपने पार्टनर का काफ़ी समय से वेट कर रहे थे वो भी आ सकते हैं। सिंगल्स का उनके किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पर जो आपका काफ़ी समय से मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, आप ये चाहते थे कि मेरी चीज़ें मेरी लाइफ में ठीक हो जाएँ, कुछ जॉब इंटरव्यूज़ हैं या रिलेशनशिप है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप चाहते थे कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, वो सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं आपकी लाइफ में, प्रोसेस शुरू हो गया है। जब आप ये रीडिंग देखेंगे उसके 15 डेज़ के बीच में आप चेंजेस देखेंगे, 15 डेज़ के बाद आपको लगेगा मेरी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलने लगे हैं, मेरी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक होते हुए दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ पर आप डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आप ज़्यादा खोजबीन करेंगे कि किस तरीके से मैनिफेस्टेशन किया जाता है, किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, सेल्फ लव क्या है, ये सारी चीज़ों में आपको इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई ऐसी बातें हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा उदास कर देती हैं, काफ़ी ज़्यादा आप ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, ठीक है, आपको ऐसा लगता है आप चीज़ों को खोने से डरते हो। ऑब्वियसली सभी लोग चीज़ों को खोने से डरेंगे, क्योंकि आपने काफ़ी चीज़ें ऐसी देखी होंगी कि आपको ठीक फील नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, आपकी जो एक पर्टिकुलर एक उदासी, एक कोई परेशानी, वो ठीक कर देगा यूनिवर्स, क्योंकि उसके बाद में सीधे हमारे पास जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट के कार्ड का मतलब है आपकी जो भी लाइफ की प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली है, इससे बड़ी खुशखबरी आपके लिए क्या हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर है आप सेल्फ लव करना स्टार्ट करोगे, आपको एक कमिटमेंट मिल सकता है। देखो जो लोग पार्टनर का वेट कर रहे हैं वो यही मैनिफेस्ट करना है कि आपके पार्टनर से ही कमिटमेंट मिले। ओके, और जो लोग सिंगल्स हैं और वो ये चाहते हैं मेरी मेरी लाइफ में कोई ऐसा परमानेंट रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, कोई ऐसा पर्सन आ जाए जिसके साथ मैं अपनी लाइफ स्पेंड कर सकूं, आप में से कोई एक है या तो हेयर स्टाइलिस्ट है या तो ज्वेलरी डिज़ाइनर है, या तो आपके कुछ प्लांट वगैरह लाने की सोच रहे हो घर में, अगर जो भी लोग प्लांट लाने की सोच रहे हैं ला सकते हो, ठीक है। आप में से किसी ने जब आप रीडिंग देख रहे हो ना कोई नया ड्रेस पहना होगा,
डेफिनेटली, और उसका कलर भी थोड़ा लाइट सा ही होगा, डार्क नहीं होगा। ओके, यहाँ पर आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने वाले हैं, आपको डीमोटिवेट करने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो आपको हमेशा नेगेटिव कर देते हैं। कभी कभी हमारी फैमिली में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, लेकिन है ना, वो उनके उनका नज़रिया है। आप अपनी बात को प्यार से बिना किसी झगड़े के शांतिपूर्वक सामने वाले को अपनी बात को समझा सकते हो। झगड़ा करने से बात बिगड़ जाती है। अगर आप कोई करियर चूज़ करना चाहते हो, आपके फैमिली अगेंस्ट है, तो आप उसको उसकी पॉजिटिव चीज़ें आप दिखाओ। आप झगड़ा करने से अच्छा है आप शांत हो जाओ, एक दो दिन के गैप में बार बार अपने फैमिली वालों से बात करो, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। झगड़ा करने से क्या होगा, फैमिली वालों को भी ज़िद आ जाएगी कि नहीं ये नहीं करना था मतलब नहीं करना। और आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है कि किसी ऐसे पर्सन का चेहरा आपके सामने आ सकता है जो आपको लगेगा ये पर्सन तो मेरे साथ तो बहुत अच्छा था लेकिन पीछे से मेरी काफ़ी ज़्यादा बुराई करता है, मेरे मतलब नेगेटिविटी फैलाता है मेरे बारे में। यहाँ पे आप पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप ना कुछ ऐसी मतलब सेल्फ वाली चीज़ें करने वाले हो, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट या फिर खूब सारा गाना गाने वाले हो, डांस करने वाले हो। ज़रूरी नहीं आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़े, आप अकेले भी डांस कर सकते हो, आप ऐसे पर्सन हो और आप इसी एनर्जी में रहने वाले हो और आप ऐसे थे भी, नहीं हो तो बन जाओ, अगर ऐसे थे तो इसी एनर्जी में रहना ही है आपको हर हाल में। यहाँ पर फाइव ऑफ सोर्ड्स से भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहे हो, इतना नहीं सोचना है। क्या सोचना, जब गुड न्यूज़ मिल ही रही है, यूनिवर्स सारी चीज़ें आपकी ठीक कर ही रहे हैं, तो इतना नहीं सोचना है फिर आप लोगों को। ओके, मैंने क्या कहा था, सब कुछ नेगेटिविटी ख़त्म होके सब कुछ रीबर्थ डेथ, जो नेगेटिव था जो पुराना था सब ख़त्म होकर नए से शुरू होगा। ठीक है, मुझे लग गया था ये कार्ड ज़रूर आएगा। देखो भाई, मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप कार्ड जाए। ठीक है, अब आप खुद समझो, नए से शुरुआत होगी, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी लाइफ में प्यार भी आएगा, आपकी रिलेशनशिप आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत मोड पर आने वाली है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएंगे कि दिया आपने सही कहा था, हेरमिट मोड से निकलिए, नेगेटिव थॉट को निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी ओवर थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा आई है आपकी। देखो, नेगेटिव नहीं होना है, सब कुछ पॉजिटिव रखना है, नेगेटिविटी को साइड कर दो, सिर्फ पॉजिटिविटी में ही जाना है आपको। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, सिर्फ आपको सेल्फ लव करना है, सिर्फ अपने आपकी तरफ जो पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, क्योंकि सीरियसली आप लोग डिवाइन से जुड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ के जो ब्लॉकेजेस हैं ना वो परमानेंट ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या होगा, जब ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं तो सारी चीज़ें पॉजिटिव होने लगती हैं। जब एक बैरियर लाइफ में से ख़त्म हो जाता है तो आपकी लाइफ में खुशखबरी है। ठीक है, तो एकदम पॉजिटिव रहो, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।